अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोता खोर हूँ पटियाला पंजाब से। और सुबह सुबह का टाइम है, अपने नहरों के अपना पर काम शुरू कर दिया है। तो आज हमारा जो सफ़र है वो पटियाले शुरू हो गया, फिर घूम के ही पटियाले में जाएगा, क्योंकि अब हमने जो करा है सद्दूवाल पटियाले शुरू करा है, और घूमते घूमते इधर जनारथल की तरफ से ऊपर से घूमते हुए सोंडा हेड से घूमते उधर राजपुर वाली जी नहर, जो ये नहर जा रही है राजस्थान के लिए और वो नहर जा रही है दिल्ली के लिए। तो जहाँ से भाखड़ा नहर के दो पार्ट बढ़ते हैं, उस पार्ट से होते हुए हम दूसरे पार्ट से निकल जाएंगे सराय बंजारे। तो अपना जो काम है हम सराय बंजारे ख़त्म करेंगे, देख रहे हैं कितने दुखी परिवार मिलते हैं, डेड बॉडियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती, या जो नहर की जानकारी है वो फिर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपका वक्त खराब नहीं करते, सबसे पहले अपने वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। जो भी कोई जानकारी है वीडियो के अंत में आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोंडा हेड। ये एक मेन मात्र ऐसा हेड है जहाँ से भाखड़ा नहर के दो हिस्से बनते हैं, और यहाँ अब हम पहुंच गए। अब यहाँ से दो नहरें बन गई, ये जो नहर जा रही है ये देखो, आप देख रहे हो, ये पटियाला से होती हुई राजस्थान के लिए जाती है, और दूसरी नहर मैं दिखाता हूँ, जिला फतेहगढ़ साहिब सरहंद के अंदर पड़ता है, और एक छोटा सा ये सुआ निकलता है, देखो ये रहा यहाँ पे। और तीसरी जो बड़ी सबसे बड़ी नहर है जिसके ऊपर अब हमने जाना है, ये वो नहर है यहाँ से जिसके ऊपर हमने जाना है, ये दिल्ली के लिए जा रहा है पानी, राजपुरा अम्बाड़ा करनाल कुरुक्षेत्र पानी पत्ते होते हुए। और अब यहीं से हम दिल्ली के लिए निकलेंगे, हमारा जो सफ़र है वो यहाँ से बहुत लंबा है, और अभी हम नीचे सराय बंजारे तक जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रह करो भाई, और जो भी बातें होंगी बाकी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम आशु मलिक गोताखोर, वहाँ पर जाकर सर्च कर लेना, वहाँ पर जाकर आपको सारे फुल वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पे देख हमारे नंबर लिख रहे हैं जंगलों में। तो हर रोज़ हम इन जंगलों से निकलते हैं, और ऐसे नहरों के साथ में भयानक भयानक जो जंगल हैं वो दूर तक रहते हैं हमेशा। और जितने भी गोताखोर हैं हमारे, सुबह सुबह जो डेड बॉडियाँ ढूंढने निकलते हैं, उनको हर तरह के जंगली जानवरों से सामना करना पड़ता है, जैसे सांप हो गए, बिच्छू हो गए, और खूंखार भेड़िए वगैरह इस नहरों के किनारे घूमते रहते हैं, और भी कई जानवर ऐसे हैं जो नुकसानदायक हैं, और पानी के अंदर भी जैसे मगरमच्छ हो गए, और भी ऐसे बहुत से जानवर हैं जो पानी के अंदर भी नुकसान दे सकते हैं। लेकिन गोताखोर की सिर्फ एक ही बात होती है, उसके पास किसी ना किसी तरह डेड बॉडी ढूंढ के परिवार के हवाले करनी होती है, और उसी को ढूंढने के लिए बेचारा सवेरे अपने घरों से निकल लेता है इन जंगलों के रास्ते। और यहाँ हमारा सामना उन लोगों से भी होता है जो लूटपाट करते हैं, किसी के मोबाइल छीन लिए, किसी की गाड़ी छीन ली, कभी पेट्रोल छीन लिया, कभी पैसे छीन लिए, तो उन लोगों से भी हमारा यहाँ सामना अक्सर इन जंगलों के अंदर होता रहता है। और ये छोटे मोटे जंगल नहीं है, 10-10, 12-15, 15-20 किलोमीटर तक लगातार इस तरह के जो पेड़ जंगल ये आते रहते हैं, और उन जंगलों के अंदर से हमें डेली निकलना होता है, रूटीन है ही हमारी डेली। ये नहीं कि भाई एक दिन छुट्टी हो गई, एक दिन आए, एक दिन नहीं आए, एक दिन आए, एक दिन नहीं आए, ये रूटीन से हमारे गोताखोर बेचारे यहाँ से निकलते हैं डेली अपनी जान को जोखिम में डाल के। फिर तुम्हारी जो डेड बॉडियाँ होती है परिवारों की, जिन जिनके हम लोग हमें पोस्टर पर्चे वगैरह भेजते हैं, फिर हम डेड बॉडी ढूंढ के उन तक पहुँचाते हैं। तो भाई एक ही अपील होती है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहे करो, धन्यवाद। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सराय बंजारे, और इस तरह के बहुत से हरियाणा पंजाब दिल्ली राजस्थान के अंदर पुल होते हैं जहाँ पे डेड बॉडियाँ तकरीबन रुकती हैं, और यहाँ पे कई बार दुखी परिवार भी आके बैठते हैं, और ये एक मेन पॉइंट होते हैं बॉडी के जहाँ पे बॉडियाँ मिलती हैं, और नहर के ऊपर से नहर निकलती हैं तकरीबन, और अक्सर हम यहाँ डेड बॉडियाँ देखने के लिए आते रहते हैं। मरे हुए जानवर तो तकरीबन पड़े होते हैं, डेड बॉडियाँ आने की जो संभावना होती है ऐसी जगह पे होती है, इन्हीं जंगलों के अंदर आकर रुकती हैं, इधर नहीं है। ये देखो ये नहर के नीचे से नहर निकल गई, और ये देखो इस तरह पुल बना हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये
और ये पुल अब ऐसे ही ना परली तरफ निकल जाएगा, परली तरफ से आपको दिखाऊंगा। अगर यहाँ डेड बॉडी इन रुकती है तो फिर परली साइड को जरूर जाकर रुकती है, तो अब परली तरफ भी दिखाता हूँ मैं आपको। और ऐसे बहुत से दुखी परिवार हैं जो बेचारे यहाँ पे आके बैठते हैं, बैठो बेटा, और वो अपनी अपनी डेड बॉडी यहाँ पे आके तलाश करते हैं। और जो हमारा सफ़र जो होता है, ज़्यादातर हम यहाँ मोटरसाइकिल स्कूटर एक्टिवा पे इसी तरह घूमते हुए आते हैं, हमारे जितने भी गोताखोर हैं, और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर हम लिख देते हैं जगह जगह पे, और हमने पूरी नहरों पे ये नंबर लिख रखे हैं ताकि लोगों की जो है वो मदद हो सके, किसी ना किसी तरीके से बेहतर तरीके से लोगों की मदद कर सके। नहीं, दोनों साइड कोई डेड बॉडी नहीं है, उस साइड भी मैं देख के आया हूँ और इधर भी देख रहा हूँ, फिलहाल तो दोनों साइड कोई डेड बॉडी नहीं है। और दोस्तों, मैंने आपसे बताया था जब मैं स्टार्टिंग में चला था, ये नहर जो है नंगल डैम भाखड़ा डैम से आती है और दो पार्ट बन गए। हम दूसरे पार्ट से स्टार्ट हुए थे जो पटियाला की तरफ राजस्थान हनुमानगढ़ नॉर्थ तक जाती है, और दूसरा पार्ट ये है इसका, ये दिल्ली हैदरपुर प्लांट तक जा रही है, दिल्ली जो हैदरपुर प्लांट है वहाँ तक ये नहर जा रही है, और तकरीबन इसका पानी पीने के काम आता है, लोग बाग इसका पानी पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जो नहर के ऊपर दूसरी आप ये नहर देख रहे हो, ये बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए नहर बना रखी है, जैसे बाढ़ आती है उस टाइम बाढ़ के लिए पानी निकालने के लिए ये रास्ता बना रखा है इन लोगों ने, तो तकरीबन जब भी ज़्यादा तकड़ा लंबा फ्लड आता है तो उस टाइम ही फ्लड के टाइम यहाँ से सारा पानी क्रॉसिंग कर दिया जाता है इसका, ये देखो आप मेरे पीछे देख रहे हो, सारा पानी क्रॉसिंग करने का सिस्टम बना रखा है, तो ये फ्लड के लिए बना रखा है, जब फ्लड आता है तो उस टाइम में ये पानी निकालने के लिए बना रखा है। और दोस्तों, हमारे जितने भी साथी गोता हो रहे हैं वो सुबह उठते हैं और इसी काम के लिए निकलते हैं, लोग डेड बॉडियाँ ढूंढते हैं, किसी का मोटरसाइकिल स्कूटर गुम हो जाता है उसको ढूंढते हैं, किसी की कार गुम हो जाती है या और भी कोई ऐसे व्हीकल या मोबाइल नहरों के अंदर गिर जाते हैं, उनको निकाल के परिवारों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो परिवार तक मिल जाए और परिवार उसको जो है अपना संतुष्ट हो जाए, क्योंकि अगर उसका मोबाइल है बेचारे का, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, बहुत पैसे लगाए जाते हैं उसको, मतलब बड़ी ही मेहनत से मोबाइलों को ख़रीदा जाता है। और दुख तकलीफ हमें एक बात की होती है, जब लोग नहरों के अंदर डूबते हैं और अपनों की तलाश करते हैं, जंगलों के अंदर भटकते हैं जानवरों से, और भी कई लोगों से उनका सामना होता है जो लूटपाट करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी उनके उनका सामना होता है, लेकिन हमारा जो काम होता है तकरीबन हम कोशिश करते हैं उनकी डेड बॉडी को ढूंढ के उन तक पहुँचाने की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनकी बॉडियाँ उन तक मिल जो पहुँच जाए, क्योंकि अगर डेड बॉडी ना मिले, कहते हैं हिंदू धर्म हो या किसी भी धर्म के अंदर, उसके अंदर गति होना मुश्किल हो जाती है, कहते हैं गति नहीं होती, तो इसलिए हमारे जितने भी गोताखोर कोशिश करते हैं, यही काम करते हैं, और उनका कोई और बिजनेस नहीं। और रही हमारे परिवार चलाने की बात, तकरीबन जो आप लोग हमें गूगल पे फ़ोनपे पेटीएम के माध्यम से हमारे को जो पैसे देते हो उनसे हमारे घर परिवार चलते हैं, इन मोटरसाइकिलों के अंदर स्कूटरों के अंदर तेल डलता है, मोबाइल का जो फूड का हमारे खाने खर्चा सब आप लोगों से हमें मिलता है, और उसी से हम करते हैं, जितना आप हमें बेहतर पैसे भेजते हो उतनी बेहतर तरीके से आगे काम करते हैं। और मैं फिर भी अपील करूँगा, हाथ जोड़ के, जितने भी गोताखोर नहीं, जितने भी लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोग उनकी मदद करते रहो। देखो, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में डोनेशन करते हो, भर गए हैं, उनके पास जगह नहीं है डोनेशन रखने की, लेकिन अब उस साइड आ जाओ जिस साइड डोनेशन की रियल के अंदर जरूरत है। आप ऐसे लोगों को डोनेशन करो जो एनिमल के लिए काम कर रहा है, पेड़ लगाने के लिए काम कर रहा है, नहर को डेड बॉडी निकालने का काम कर रहा है, रोड एक्सीडेंट का काम कर रहा है, रेलवे से जो डेड बॉडी उठाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोग ही मदद करते रहे मेरे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। मदद करो उन लोगों की जो आपके घरों के अंदर काम करने वाली बाई है, आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, आपका चौकीदार है, ऐसे लोगों की भी मदद करो, उनकी भी मदद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमेशा अपने से नीचे भी जो तबके के लोग हैं जिनके पास उनकी मदद करने की ज़रूरत है, उन लोगों की मदद करो। मैं ये नहीं कहता आशु मलिक की करो और ऐसे गोता करो उनकी करो, मैं कहता हूँ उन लोगों की मदद करो जिनको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस तरीके से मदद करते रहते हो उस तरीके से वो लोग आगे मेहनत करते हैं, और जितनी मेहनत करते हैं उतनी डेड बॉडियाँ मिलती हैं, उतना पुण्य का काम होता है, उतने लोगों की संतुष्टि होती है, उतना आप लोगों को पुण्य मिलेगा। तो अगर उनकी डेड बॉडी मिल जाती है आपके माध्यम से, नहरों के अंदर पड़ी पड़ी रुल रही है, कुत्ते खा रहे हैं, सड़ रही है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, आप लोग उनकी हेल्प करें, उन गोताखोरों की जिन जो गोताखोर उनको निकलवा के परिवार तक पहुँचा रहे, तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना पुण्य का काम है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, अपने से कम वर्ग की मदद करते रहो, अगर किसी की वो मेरी हेल्प की जरूरत चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, डिस्प्ले के ऊपर भी मेरा नंबर चल रहा है, कहीं पर भी ऑल ओवर हरियाणा पंजाब दिल्ली राजस्थान कहीं पर मेरी जरूरत पड़ती है, आप मेरे संपर्क कर सकते हो, हम आपको गोताखोर प्रोवाइड कराएंगे। यदि और ऐसे इलाके जहाँ पे हमारे गोताखोर नहीं है, हम आपको गोताखोरों का नंबर प्रोवाइड कराएंगे। कुछ गोताखोर पेड़ है, कुछ फ्री सेवा है, मैं आपको पहले बताता हूँ, कुछ गोताखोर पेड़ है, कुछ फ्री सेवा है,
तो पर गोताखोर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ये हमारा वादा है। आपको हमारी किसी तरह की भी हेल्प की जरूरत है वो हम आपके करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं, कल फिर एक नई कहानी के नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा। मैं शहजाद खान, ये है आशु भाई। आशु मलिक जी से आज हमारी भेंट हुई और मालूम हुआ कि ये बहुत पुण्य का काम करते हैं। ये हिंदुस्तान के मशहूर गोताखोर हैं। और आज एक ऐसी शख्सियत से मिला हूँ भाई, आशु मलिक जी हैं, जो हमारे भारत के एक वन ऑफ द टॉप गोताखोर।